गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ गणितीय संक्रियाएं, जो क्या है, अकलन, कलन विधि। ठीक, कलन विधि दो प्रकार से होती है, एक तो होता है अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। अवकलन समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि आपके अध्याय में दिया हुआ है, सीखना है आपको। ठीक, दरअसल डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये मैथ्स का है, ये फिजिक्स का है ही नहीं। ठीक, फिर भी हम पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरतें हैं। पहला रीजन तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप फिजिक्स में इसका सारा चीज आप डेरिवेशन करते हैं, निगमन करते हैं किसी भी फार्मूले का, तो वहां पर इसका अत्यधिक जरूरत पड़ता है। ठीक, तो जो बच्चे, अब आप लोगों में से कुछ बच्चे बायो साइड से हैं, कुछ बच्चे मैथ साइड से हैं, राइट। तो जो बच्चे मैथ साइड से हैं वो तो आगे चल के मैथ्स में इसको पढ़ लेंगे और वो इसको कर ले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बायो साइड से हैं वो अगर 11th क्लास में इस चीज को नहीं सीख पाए तो आगे चल के वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में भी इसका जरूरत पड़ेगा आपको, और वहां पे 12th में आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, वहां पे डायरेक्ट बताया जाएगा कि ये हमने समाकलन किया, ये हमने अवकलन किया, तो ये आंसर आया। ठीक, इसीलिए इसको क्लास 11th में ही रखा गया है ताकि बच्चे सीख सके। ठीक, और क्लास 11th में ही क्यों सीख सके, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को 12th में सीखते हैं, ना कि 11th में। हालांकि वो सीखेंगे इसको, लेकिन 12th में सीखेंगे, लेकिन हमें तो 11th से ही इसकी जरूरत पड़ रही है, तो 11th से ही जरूरत पड़ रही है तो हमें इसको सीखना पड़ेगा। उसका उपाय यही है और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, बिना सीखे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे अवकलन या फिर समाकलन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। हम फालतू का यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का बिल्कुल नहीं। ठीक, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भौतिक राशियां जानी, भौतिक राशियां क्या होता है आपको पता है, क्या होता है भौतिक राशि, जिससे हम किसी चीज को मापन कर सके, जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक, ये भौतिक राशियां डियर स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती हैं, ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, अभी हम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका। ठीक, परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक, तो ये भौतिक राशियां डियर स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है नियतांक और दूसरा होता है परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक, तो नियतांक भौतिक राशि हम किसे बोलते हैं, नियतांक भौतिक राशि हम उसे बोलते हैं जो क्या हो, जो बदलता नहीं है, जो स्थायी रहता है। ठीक, जो ना बदले उसको हम नियतांक बोलते हैं। तो एक तो भौतिक राशि ये हो गया, ठीक है, और दूसरी राशि, दूसरी भौतिक राशि कैसी होती है, जो बदलती रहती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, परिवर्ती। ठीक, तो अगर हम इसको नियतांक को भी अगर डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो होता है अस्थाई, अस्थाई नियतांक, इसका मतलब ऐसा नियतांक जो हम लेंगे वो कभी बदलता ही नहीं है, हमेशा वही रहेगा, और एक होता है अस्थाई नियतांक। अस्थायी नियतांक यानी टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए ही नियतांक माना जाएगा। ठीक, और जो स्थायी नियतांक है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए। अब ऐसे स्थायी नियतांक कौन से होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं हमेशा, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा है, मैथ में क्या पढ़ा है, पाई, पाई का मान पढ़ा है, पाई का मान कितना होता है, 3.14। जब भी आप क्लास 10th में कैलकुलेशन करते थे, जहां जहां पे पाई आता था हर जगह आप क्या लगाते थे, 22/7 या तो फिर 3.14 लगाते थे ना, तो ये क्या है, स्थायी नियतांक है जो कभी नहीं बदल रहा है। ठीक, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी कुछ स्थायी नियतांक होती हैं, जैसे कि क्या होता है, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का वो नियतांक। ठीक, गुरुत्व, और एक और होता है गुरुत्व त्वरण, ये जी। ठीक, एक तो कैपिटल जी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व नियतांक,
और एक होता है गुरुत्व त्वरण, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 9.8। हमेशा हम इसको 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं फिजिक्स में। अगर इसकी बात करें जी, तो इसका कुछ होता है, कितना होता है, 6.67 × 10^-11। तो हमेशा हम इसको वहां यूज करते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी चीजें और होती हैं फिजिक्स में, जैसे अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर हम बड़ा बताए थे आपको, कितना होता है, 6.023 ऐसा, ठीक। तो ये सारी हैं फिजिक्स की स्थाई नियतांक, जो कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहेंगी। अब हम बात करें अस्थाई नियतांक क्या होगा, जो टेम्प्रोरी होगा। तो अस्थाई नियतांक, डियर स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं जो एक खास सिचुएशन के लिए हो। खास सिचुएशन इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप मार्केट में गए शुगर लेने, चीनी लेने गए, और चीनी का दाम आप पता किए तो पता चला कितना है, 10 रुपया केजी है, ठीक। 10 रुपया केजी आप चीनी है, अगर आप चीनी को 20 केजी चीनी लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 200। अगर आप 40 केजी चीनी लेते हैं तो आपको 400 देना पड़ेगा। अगर आप 60 केजी चीनी लेते हैं तो आपको 600 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज नहीं बदल रहा है, यहाँ पे चीनी का भाव नहीं बदल रहा है, चीनी का रेट नहीं बदल रहा है। चीनी का रेट कितना है, 10 है, चाहे आप 20 केजी लीजिए, चाहे 40 केजी लीजिए, चाहे 60 केजी लीजिए, ठीक। तो ये जो हमने रेट बना के रखा है, ये एक टेम्प्रोरी रेट है। टेम्प्रोरी रेट मतलब अस्थाई है, हो सकता है आगे चल के चीनी का भाव बढ़ जाए, ठीक। तो जो कि फिक्स नहीं है हमेशा के लिए, हमने केवल खास समय के लिए ही उसको फिक्स करके रखा है, स्थाई करके माना है, ठीक। तो इसको दिखाने के लिए, अस्थाई नियतांक को हम दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, ए बी सी व्यंजक यूज कर लेते हैं अस्थाई राशि को दिखाने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि परिवर्ती क्या होता है, मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो बदलती रहती हैं, ठीक। तो जो बदलती रहती हैं, इसमें एग्जांपल है जैसे कि समय। समय हमेशा बदलता रहता है, तो समय बदलता रहता है तो समय कैसी भौतिक राशि है, परिवर्ती है। अगर मैं आपसे कहूं एक आवर में 100 किलोमीटर एक बस चल रही है, दूसरी बस दो आवर में 100 किलोमीटर चल रही है, तो इस बस की चाल कितनी हुई और इस बस की चाल कितनी हुई। तो इस बस की चाल कितनी हुई, 100 किलोमीटर पर आवर, और इस बस की कितनी चाल हुई, जब इसकी आप चाल निकालेंगे तो मतलब 100/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं, क्या चीज नहीं बदल रहा है और क्या चीज बदल रहा है, दोनों चीज को आप देखिए। जब हम ऐसा कहते हैं कि एक बस 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो उसका चाल कितना हुआ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बस जब 2 आवर में 100 किलोमीटर चल रही है तो उसका चाल कितना हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, क्या बदल रहा है, यहाँ पे दो राशियां बदल रही हैं, कौन कौन सी, एक तो इसका चाल बदल रहा है और दूसरी राशि क्या बदल रहा है, समय बदल रहा है, ठीक, बदल रहा है ना। और अगर हम बात करें कि क्या चीज नहीं बदल रहा है, तो नहीं क्या बदल रहा है, दूरी। ये यहां भी 100 किलोमीटर है, यहां भी 100 किलोमीटर है, और ये चीजें बदल रही हैं, 1 घंटा था फिर 2 घंटा है, और यहाँ पे चाल में भी बदलाव आ जा रहा है। ना बदलने वाली राशि कौन सी है, 100 किलोमीटर, ठीक, और बदलने वाली राशियां कौन सी हैं, ये दोनों, ठीक। समय, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, और ये वाली जो राशि है जो बदल रही है, इसको हम मान लेते हैं वाई, यानी वाई क्या है, चाल है जो बदल रहा है, और एक्स क्या है, जो हमारा समय है जो बदल रहा है, ठीक। तो जब भी हम अवकलन करते हैं, हम यहाँ पे अवकलन की बात कर रहे हैं अभी, तो जब भी हम यहाँ पे अवकलन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम ऐसी दो राशियां लेते हैं, दो ही राशियां ऐसी लेते हैं जो क्या हो, आपस में बदलती हो और आपस में उनका रिलेशन हो, आपस में उनका संबंध हो। ऐसी राशि को हम बिल्कुल नहीं लेते हैं जो क्या हो, नियतांक हो, जो कॉन्स्टेंट हो, जो कभी नहीं बदलता। केवल हम उन्हीं दो राशियों को उठाएंगे जो क्या होंगी, बदलेंगी, और जो नहीं बदलेंगी उसे हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नियतांक है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि ये जो चाल, ये जो हमारा वाई है डियर स्टूडेंट्स, ये निर्भर कर रहा है, निर्भर कर रहा है मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे, समय पे, समय पे डिपेंड कर रहा है। ये जो वाई है ये एक्स पे निर्भर कर रहा है, क्यों, कैसे, अगर हम समय को 1 घंटा कर देते हैं तो इसका वाई की जो मान है, चाल है, वो कुछ और है,
अगर हम समय को बदल के 2 घंटा कर दे रहे हैं तो इसके चाल में, इसके वाई के मान में क्या आ जा रहा है, कमी आ जा रहा है कुछ, ये इसका मान बदल जा रहा है। तो हम कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स है इस पर ये वाई निर्भर कर रहा है। अगर हम एक्स को जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे वाई का मान भी बदलता जाएगा, राइट। ठीक, तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे। ठीक, अब इसी चीज को जब हम लिखेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं कि वाई वाई एक्स, इसको क्या अभी मैं बोला कि वाई एक्स पर निर्भर करता है, तो यहां पे लिखिए वाई कॉमा एक्स पर निर्भर करता है। निर्भर करता है मतलब जैसे जैसे आप x को बदलते जाएंगे वैसे वैसे y का भी मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को एक चीज हम और कहते हैं कि जो ये निर्भर करता है, हम ऐसा इसको बोलते हैं कि y फलन है x का, y फलन है x का। ठीक, ये जो लैंग्वेज है ना, ये तो हिंदी का लैंग्वेज हो गया कि निर्भर करता है। अब हम इसको मैथ के लैंग्वेज में बताएंगे तो मैथ के लैंग्वेज में इसको हम कैसे बोलेंगे, वाई फलन है एक्स का। फलन का मतलब होता है फंक्शन। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, वाई फंक्शन है किसका, एक्स का, राइट। अब जो हमें ये दर्शाता है, ये वाई फलन है, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि ये वाई की एक्स से रिश्तेदारी है, y की x के साथ रिश्तेदारी है। तो अगर मैं बोलूं कि y के साथ x की कैसे रिश्तेदारी है, क्या वो चाचा है, मामा है, नाना है? ठीक, तो रिश्तेदारी कैसी है, वो फलन है। y क्या है, x का फलन है। ठीक, तो ये आप यूज करेंगे फलन शब्द। अब यहाँ पे हम इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था। आज के क्लास में हम केवल अवकलन के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, अवकलन करते कैसे ये नहीं सीख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक, अब ये जो हमने हिंदी में और ये जो मैथ की भाषा में लिखा है कि फलन है ना, इसको हम और इजी करते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको दर्शाते किससे हैं, वाई बराबर फलन को हम एफ से दर्शाते हैं, क्योंकि फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोला जाता है, तो फंक्शन का स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होता है। तो इसको हम एफ दिखाते हैं और ब्रैकेट में एक्स दिखाते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे भौतिक राशि लिखा है कि वाई किसका फलन है, एक्स का, ये चीज जो हम यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे हिंदी में बोल रहे थे, उसी को हमने व्यंजक के रूप में लिख दिया। ठीक, जो हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है, वाई बराबर एफ एक्स, नहीं कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कोई समीकरण नहीं है। ये अगर हम f लगा रहे हैं तो ये हमें जानकारी दे रहा है कि जो y है x का फलन है, y x का फलन है, ये हमें व्यंजक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसी सूचना दे रहा है। ठीक, बता रहा है कि इस y की x के साथ रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी कैसी है, नाना चाचा की नहीं है, कैसी है, फलन की है, मतलब उस पर वो निर्भर कर रहा है, ये रिश्तेदारी है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये और इसको बदल के कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि y बराबर एफ टी, अगर हम अभी एग्जांपल देखे थे ना समय के लिए, तो यहां पे हम समय अगर कर देते हैं तो मतलब यहां पे क्या निकला कि ये जो y है ये फलन है किसका, t का, किस पे निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। अगर यहाँ पे x है मतलब x पर निर्भर कर रहा है, अगर यहाँ पे t है तो मतलब t पर निर्भर कर रहा है। ठीक, और एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम लिखते हैं वाई बराबर 2x² - 3। ठीक, तो ये क्या है, ये व्यंजक है। ठीक, कि y बराबर 2x² - 3, एक तो इक्वेशन ये बना। ठीक, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर आप x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कुछ और होगा, अगर x का मान आप 2 रखते हैं तो y का मान कुछ और होगा। ठीक, तो मतलब जैसे जैसे आप x को बदलते जाएंगे वैसे वैसे y का मान बदलता जाएगा। इसी टाइप से आप y बराबर 3x भी रखेंगे, अगर मान लीजिए x का मान आप 1 रखते हैं तो y का मान 3 आ जाएगा, x का मान आप 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, फलन है।
ये दोनों अलग अलग फलन है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा एक्स एक्स का फलन है जिसपे वाई निर्भर कर रहा है, यहाँ पे एक्स का फलन कुछ ऐसा है जिसपे वाई निर्भर कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है, दो अलग अलग फलन हो गई। ये समझने के लिए, ये ऐसा भी हो सकता है y बराबर x की पावर n के भी फॉर्म में हो सकता है, ये y बराबर cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बस हमें नोटिस क्या करना है, हमें बस नोटिस ये करना है कि ये रिलेशन बताता है कि ये निर्भर कर रहा है y किस पे, x पे। जैसे जैसे आप x पे बदलते हैं वैसे वैसे y बदलता रहता है। ठीक, तो हम लोग यहां पे थे y बराबर एफ एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो y और x का रिलेशन है इसमें हम बदलाव करते हैं। ठीक, मान लीजिए यदि यदि x बदलकर परिवर्तन हो रहा है, यदि x बदलकर x डैश हो जाए और यदि जो y है y बदलकर y डैश हो जाए, इन दोनों में बदलाव आ रहे हैं। ठीक, पहले कुछ था अब कुछ हो जा रहा है, तो ये कैसा रिलेशन बनेगा, तो ये रिलेशन बनेगा x डैश माइनस x, ये चेंजेस को दिखा रहा है परिवर्तन को, और ये क्या रिलेशन बनेगा y डैश माइनस y। ठीक, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है फलन, ऊपर वाला हमें दर्शा रहा है फलन में परिवर्तन, फलन में परिवर्तन, और नीचे वाला हमें दर्शा रहा है क्या, नीचे वाला क्या दर्शा रहा है, राशि में परिवर्तन। ये y क्या है, एक राशि है, मूल राशि है, राशि में परिवर्तन, जो y का मान है, जो राशि है, जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वो पूरी तरीके से किस पे निर्भर करता है, फलन पे। ठीक, ये चीज हमें रिलेशन बता रहा है, और इसी चीज को हम मैथ की भाषा में अवकलन कहते हैं। अवकलन मतलब फलन में परिवर्तन, ठीक, जिसके राशि में परिवर्तन, जिसके सापेक्ष क्या परिवर्तन होता है, फलन। ठीक, फलन के सापेक्ष राशि में परिवर्तन क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। ठीक, ये तो है मैथ की भाषा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं और एग्जांपल से समझा देता हूं, समझिए ध्यान से। मैथ की भाषा में अवकलन क्या होता है, मान लीजिए एक बस चलना स्टार्ट की, ये 100 किलोमीटर चलती है। ठीक, अभी मान लीजिए ये 8 बजे चलना स्टार्ट की, 8 AM, जब 8 बजे वो बस चलना स्टार्ट की तो वहां पे 100 किलोमीटर था, और जब आप ये 10 बजे जब यहां पहुंची किसी जगह पे, तो इसका किलोमीटर हो गया 150 किलोमीटर। ठीक, क्या ये है, पोजीशन बता रहा है, पहले 8 बजे बस कहां पे थी, 100 पे किलोमीटर पे थी, 10 बजे बस कहां है, 150 किलोमीटर पे है। तो ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन क्या बता रहा है, स्थिति बटा समय का रिलेशन बता रहा है, कि समय बदल रहा है तो बस की स्थिति बदल रही है, पहले 100 पे थी फिर 150 पे होगी। ठीक, तो अगर हम इसके टर्म में लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 150 माइनस 100 बटे में समय में कितना बदलाव, 10 माइनस 8 हो रहा है ना। तो इसी चीज को अब हम किस में लिखना चाह रहे हैं, इसी चीज को हम लिखना चाह रहे हैं, ये जो है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, x है, ये क्या है, x है, दूरी, जिस दूरी बदल रहा है, और टाइम के लिए हमने लिखा t। ये जो दूरी है ये किस पे निर्भर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, टी पे निर्भर कर रहा है, टी क्या है हमारा, समय है, समय पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक, यहां पे ये दूरी में बदलाव हो रहा है तो मतलब डेल एक्स में बदलाव हो रहा है, और यहां पे किस में बदलाव हो रहा है, समय में, इसको हम बोलते हैं डेल्टी में बदलाव हो रहा है। ठीक, अब इसी चीज को आप फलन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, अवकलन की भाषा में कैसे लिखेंगे, कि ये जो वाई, ये जो एक्स है, ये टी का क्या है, फलन है। यही चीजें तो हम सीख रहे थे ना यहाँ पे, कि एक्स जो है वाई का फलन है, अगर यहाँ पे टी है तो टी अभी यहाँ पे टी है तो टी के लिए एक्स फलन है। ठीक, यही रिलेशन बनेगा, वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा।
नहीं, ये यहां पे टी हो जाएगा, यहां पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स हमारा टी पे निर्भर कर रहा है, तो जो निर्भर कर रहा है वो यहां रहेगा। ठीक, तो अब इसको हम फलन की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो फलन की भाषा में ये जो 150 है, अगर ये राशि 150 कैसे आया है, अगर यहाँ पे ये एक्स है, ठीक, 150 माइनस 100 था ना, अगर यहाँ पे हम जो राशि बदला है डेल एक्स, पहले तो आप फलन लिखेंगे एफ, और इधर भी एफ लिख लीजिए, ठीक, और यहां पे आप देखेंगे ये जो 100 है, ये 100 यानी उसका जो शुरू में था पोजीशन वो है, तो मतलब वो वहां पे जब टाइम टी था तब जाके उसका कितना था, 100 किलोमीटर था, बाद में कितना हुआ, 150 किलोमीटर हुआ, माइनस, ये माइनस का साइन लगाएं, 150 कब होगा, जब यहां पे क्या होगा, जब जब यहां पे डेल टी प्लस टी जुड़ेगा, ठीक, डेल टी प्लस टी जुड़ेगा तब जाके ये क्या हो जाएगा, यहां पे टी है, डेल टी प्लस टी जब जुड़ेगा तब जाके यहां पे क्या आएगा, 150 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं ये फलन की भाषा, हम यहां पे एक्स नहीं लिखेंगे, फलन ये कहता है फलन तभी होगा डियर स्टूडेंट जब दोनों ऊपर नीचे राशियां समान होंगी, एक जैसी होंगी, यहां पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहां पे एक्स एक्स और नीचे हम डेल टी नहीं लिख सकते, ठीक, राइट, समझ पा रहे हैं, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, टी टी करना पड़ेगा, और नीचे तब हम जाके लिखेंगे यहाँ पे डेल टी, तब इसका जाके आप अवकलन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, यहाँ एक्स हो गया यहाँ पे टी हो गया तो अवकलन नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी टी टी होना चाहिए, ये हमें ये दर्शा रहा है कि जब इसका बस का समय टी था तो टी पे उसका कितनी दूरी थी, 100 किलोमीटर था, ठीक, और पहले टी था और टी में कुछ और उसमें बदलाव आया, समय में बदलाव हुआ, कितना समय बदला हुआ, डेल टी बदला हुआ, तब जाके उसका किलोमीटर कितना आया, 150 आया, तो ये एक तरीका है क्या लिखने का, अवकलन का, ठीक, अगर ऊपर नीचे दोनों अगर सब में टी टी है तब जाके हम इसका अवकलन कर सकेंगे, तो ये थी मैथ की भाषा, राइट, अब मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बस एग्जाम्पल था, तो ये जितनी चीजें हम अभी तक यहां तक जितनी सुने हैं ये थी मैथ की भाषा, अब हम चलते हैं फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स में क्या होता है अवकलन, ठीक, तो चलिए हम ग्राफ लेते हैं एक ठो, ये ग्राफ लेते हैं, यहां पे वाई है, यहां पे एक्स है, और ये ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं, ठीक, और यहाँ पे कोई एक बिंदु है जहां पे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे अवकलन कितना होगा, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता चला जाएगा वाई भी बदलता चला जाएगा, मतलब वाई में परिवर्तन हो रहा है एक्स के अनुसार, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पे अवकलन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ढलान है, तो अगर यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ढलान होगा, थीटा ढलान होगा, ठीक, इसी टाइप से आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, ठीक, तो इसको ऐसे डायरेक्ट हम नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इस बिंदु पे अगर पता करना है कि यहाँ पे कितना बदलाव आ रहा है, कितना सूक्ष्म बदलाव आ रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक, यहीं पे ना हम पता करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है डियर स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, ये छोटी सी दूरी ले लेते हैं यहाँ और यहाँ, अब इस छोटी सी दूरी को लेके हम ऐसे ऐसे एक लाइन बना देंगे और यहाँ पे एक हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक, दो छोटी सी दूरियां लेंगे जिनको हम मानेंगे कि ये क्या है, सरल रेखा है, ठीक, ऐसा प्रतीत करेंगे, इमेजिन करेंगे, और अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे कुछ थीटा बनेगा, बनेगा ना, और मैं आपको बताया था कि ढलान बराबर कितना होता है, ढलान बराबर बताया था टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है लंब, अगर हम बात करें लंब की तो लंब यहां पे क्या है, तो लंब यहां पे वाई है,
अच्छा डायग्राम मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ना, इतना बड़ा बनेगा नहीं डायग्राम, लेकिन मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसमें क्लियर दिख नहीं रहा है। ये ग्राफ हुआ जो हमें बता रहा है कि x x के अनुसार y बदल रहा है, x पे निर्भर कर रहा है y, x फलन है मतलब x का फलन है कौन, y। ठीक, अब यहां पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया जिस पे हमें ज्ञात करना है क्या कि कितना अवकलन होगा। तो हमने दो बिंदु लिया यहां से ऐसे, और यहां पे जब इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो आपको मिलेगा क्या थीटा, जिसपे हमें ज्ञात करना है अवकलन। और ये जो हमें बिंदु दिखा रहा है, ये चीजें हमें क्या बता रहा है, एक बिंदु तो आप यहां लिए हैं, इतना दूर लेंगे नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिया हूं। तो यहां पे मान लीजिए ये कितना है, पहले है x, तो x बदल के अब कितना हो गया डेल x हो रहा है। अगर इसी टाइप से आप यहां की बात करें, यहां और ये एक बिंदु है, एक यहां बिंदु लिए हैं ठीक, तो अगर यहां पे पहले y था तो यहां पे फिर कितना हो गया डेल y हो गया, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है, किसके अनुसार x के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे लंब बटे आधार, तो लंब लंब क्या है y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, और आधार क्या है x में परिवर्तन, x में परिवर्तन। कितने का परिवर्तन हो रहा है, y में डेल y का परिवर्तन हो रहा है, और x में कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो x में डेल x का परिवर्तन हो रहा है ठीक। और इसी चीज को जब आप ऐसा लिखना चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं ठीक। अवकलन की भाषा में कैसे लिखेंगे, आप लिखने का क्या तरीका है ये देखेंगे। ये डेल y और डेल x हमें क्या बता रहा है कि y में परिवर्तन हो रहा है, किसके अनुसार x के अनुसार। अब इसको हमें लिखना है किसके आधार पे, x के रिस्पेक्ट में ठीक। तो जब भी हम फलन लिखेंगे इसका तो कैसा लिखेंगे, f f कर दिए ठीक। जब इसका मान x होगा तब y में कुछ परिवर्तन होगा ठीक, ये वाला। अगर यहां पे डेल x प्लस x जुड़ा तब जाके कुछ और परिवर्तन होगा y में ठीक। यही ना किए थे हम, सब में टी टी लगा रहे थे, और नीचे क्या हो जाता है, नीचे डेल x हो जाएगा, जो हमें दर्शा रहा है कि ये क्या है, फलन है x का, और जो उसमें x में बदलाव हुआ तो उसमें फिर फलन में क्या बदलाव होगा ठीक। और जब यहीं पे हम इसको बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कर देते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम यूज करते हैं लिमिट की, एक सीमा होती है कि आप उसकी उसकी जो जो भी आप ढलान निकाल रहे हैं वो कितना मिनिमम करके निकाल रहे हैं, कितना एकदम सीमित करके निकाल रहे हैं, छोटा से छोटा। तो वहां पे हम लिमिट लगा लेते हैं, और लिमिट को हम मान लेते हैं डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाता है डेल एक्स अपॉन अरे डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहां से ये वाला ले रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो जब आप लिमिट लगा देते हैं जीरो का तो ये बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, y का अवकलन, इसी को हम क्या बोलेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, ये क्या दर्शा रहा है y का अवकलन x के संदर्भ में। ये था आज का क्लास जिसमें हमने पूरा स्टडी किया कि अवकलन क्या होता है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि अवकलन करते कैसे हैं, अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो उसमें करना सीखेंगे कि अवकलन हम करते कैसे हैं, अवकलन का हम उपयोग कैसे करते हैं ठीक। धन्यवाद।